हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। होप यू ऑल वेल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू की एक रेसिपी। ये जो आलू मसाला है ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अलग होते हैं। रेगुलर जो हम आलू मसाला बनाते हैं उससे ये थोड़ा अलग है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए नए रेसिपी के अपडेट के लिए। तो मसाला आलू बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम आलू को 2 सीटी लगा के उबाल लिया है और उसका छिलका हटा लिया है और उसमें से 3-4 आलू को मैंने मैश भी कर लिया है। अब मैं यहाँ पे एक मसाला रेडी करूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ टोमेटो को कट कर लिया है, 4 मैंने हरी मिर्ची ली है और 2 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा ले लिया है। हरी मिर्ची आप आपके टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अब मैं इन सबको मिला के एक पेस्ट बना लूँगी। तो देखिए मैंने एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। अब मैंने यहाँ पे फ्राई पैन ले लिया है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। मैं इस रेसिपी को मस्टर्ड ऑयल में ही बनाना प्रेफर करती हूँ। इसमें अब मैं ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून जीरा और 1 तेज़पत्ता। इसे थोड़ा सा सॉटे होने दूँगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी बॉयल किया हुआ आलू। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा आलू को इसमें मैश कर दिया है, इससे थोड़ा सा ग्रेवी अच्छा बनेगा। तब मैं आलू को हल्का सा फ्राई कर लूँगी। आलू को फ्राई करते टाइम ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट और उसके साथ मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। अब अच्छे से एक बार मिक्स करके आलू को हल्का गोल्डन ब्राउन करके मैं फ्राई कर लूँगी। तो देखिए आलू हल्का फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें टोमेटो का पेस्ट ऐड कर दूंगी जो मैंने रेडी करके रखा था। अब थोड़ा सा कलर अच्छा आने के लिए मैं इसमें ऐड कर दूंगी कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। तो मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देने के बाद मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने दूंगी। 2-3 मिनट बाद आप देखिए इसमें से ऑयल रिलीज होने लगा है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी फेटा हुआ दही। तो दही को मैंने यहाँ पे अच्छे से फेट लिया है, तो मैं 2 टेबलस्पून दही इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दूंगी और गैस की फ्लेम को मैं इस टाइम लो पे रखूँगी। कोई भी सब्जी में दही डालने के टाइम पर गैस की फ्लेम को लो पे ही रखिएगा, उससे दही फटने का चांसेस नहीं रहता है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून शुगर। शुगर ऐड करने से दही के साथ मसाले का टेस्ट जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट। मैंने पहले भी थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, इसलिए अभी मैं 1/2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। अभी मैं इसे कवर कर दूँगी और कुक होने दूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट लो हीट पर कुक होने के बाद आप देखिए इस सब्जी में से पूरा ऑयल रिलीज हो चुका है और मसाला भी थिक हो गया है। इस आलू मसाले को बनाने के टाइम पे मैंने पानी का यूज़ नहीं किया है, उससे इसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कसूरी मेथी। तो मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी को हाथ से अच्छे से क्रश करके इसमें डाल रही हूँ और इसी से इस सब्ज़ी में एक अलग सा टेस्ट आएगा। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून गरम मसाला। अब इन दोनों को अच्छे से एक बार मैं मिक्स कर दूंगी। आप देख सकते हैं सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो है टोमेटो केचप। केचप डालने से इसमें एक बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड ऑन हो जाएगा। एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने आज आपके साथ ये शेयर किया। केचप को सब्जी में मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर कर दूँगी और गैस को मैं बंद कर दूँगी और इसे मैं 2 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी ताकि आलू में सारे फ्लेवर्स अच्छे से आ जाए। तो रेडी हो गया आज का हमारा आलू मसाला। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर ऐसी कोई इजी रेसिपी के साथ।